मुख्यालय वन चौकी बाकड़ी पर नहीं रहने से अतिक्रमणकारियों ने चौकीदार के साथ मारपीट कर बंदूकें लूटी। डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि दिन में गश्त के बाद एक रजिस्टर है जिसमें वनपाल और वनरक्षक अपनी ड्यूटी से आकर एंट्री करते हैं, रात में अपने मुख्यालय पर रहना पड़ता है। इन कर्मचारी की लापरवाही सामने आई है जिसके बाद दो वनपाल दो वनरक्षकों को सस्पेंड किया गया। ड्यूटी सबकी लगी हुई थी, हमारे एक वनपाल हैं जो प्रभारी होते हैं यहाँ के, और हमारे कुछ वनरक्षक होते हैं जो संबंधित बीटों में पदस्थ हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो रात में आके यहाँ पे विश्राम करें, मुख्यालय यही रहे देख रेख के लिए। दिन में वो जाते हैं अपने वन क्षेत्रों की गश्ती करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, और यहाँ जितने रजिस्टर हैं उसकी एंट्री करना इत्यादि इनका काम होता है। लेकिन कल रात में ये लोग यहाँ अनुपस्थित रहे थे, इसको तत्काल संज्ञान लेते हुए जो वनपाल यहाँ प्रभारी हैं इनको सस्पेंड किया है, निलंबित कर दिया गया है। दो वनरक्षकों को निलंबित कर दिया है, बाकी जो बीट के प्रभारी हैं उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है इसका। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।